अब नहीं करो बच्चोदी बेटा, जल्दबाजी में सेंड हो गया ना, हिल लग जाएंगे अपने। हाँ उठा लोटा पिघल गया। क्या हुआ क्या हुआ? पिक्चर मांग रहा है, अब क्या करेंगे उठाट उठाट क्या करेंगे? अभी यार भिक्का से लाए। अब गूगल खोल, गूगल, हाँ गूगल खोल, गूगल पे लिख ओट हिजाब गर्ल्स। पागल लड़की है। अब आवा ले आया, अब आया मैं। हे अबे, अबे भाई तू तो लड़की लेने गए थे, अबे ले उठा दे क्या क्या माजरा भाई। हाँ यार जब आपके पास शराफत जैसा मल्टी टैलेंटेड दोस्त हो तो लड़की की किसे ज़रूरत, क्यों भाई सब बाहर ठहरो है ना? क्या मतलब उस्ताद? अबे ये जी जी मुझे ये कहना था आपका नाम बहुत प्यारा है। अरे उस्ताद, हाँ यार अब होगा क्या? अब वो होगा जिससे बर्गर हमेशा के लिए तबाह होगा। अरे यार भैया थोड़ी तेज चला लो यार, व्हाइट वाली गाड़ी के साथ साथ अपना। हाँ भाई जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से ही चलेगा, आपके अब्बा जान की फरारी थोड़ी है। अब क्या हो गया भाई, अब्बा जान क्या कर रहा है भाई, तुम इससे बात करो। अरे तो यार भाई आप खुद देखो, सामने 1.5 करोड़ की गाड़ी है यार, और ये पीछे 2 लाख रुपये का साजगार रक्षा हद होती है यार भाई। तो यार ऐसे बोल लो ना यार, अब्बा अब्बा क्या कर रहे हो भाई? अच्छा यार माजरत भाई, ध्यान से ध्यान से। अरे अरे क्या हो गया अचानक यार इनको? एक तो ये बड़ा मसला रहता है, साथ साथ चलना पड़ता है ना, भरोसा नहीं अभी इस पे। अबे तरीके से चला ले भाई, पहले तो बड़ा पापा पापा कर रहा था तू, उन्हें तो सच में फरारी बना दिया इसको, तरीके से चला ले भाई। अबे यार भाई गलती से वो ब्रेक दब गया यार। तेरे ब्रेक के चक्कर में हमारी जिंदगी के ब्रेक लग जाएंगे, ऊपर चढ़ा दे ऊपर भाई, ऊपर बंदा खड़ा है। चढ़ा चढ़ा उड़िया खुद ही। अरे अब तू अंधा हो गया क्या यार? अबे तो भाई हटा ही नहीं वो सामने से, उठेगा नहीं तो क्या उड़ा देगा? अबे भाई अड़िया, पहले नहीं बोल सकता था। अबे यार इसको बोलो धक्का लगा दे भाईजान। तो भाई चढ़िया का छोड़ भाई, उसके मुँह नहीं लग रू करूँ। हाँ चढ़ गया ना। अबे क्या कर रहा है? अबे भाई मडगार्ड लग रहा है यार, अपना रक्षा नहीं बचाऊं। तेरा कोई हाल नहीं है भाई, कहाँ रोकना है? आगे जगह दिख रही है क्या? यहीं रोक फस। अच्छा भाई लड़के रहे हो, सही है बेटा चले आओ, बम्पर पे नुकसान है और ना ये भी ले लूँगा। अरे अरे जा रहा हूँ। अबे ये क्या हुआ, पीछे लग रहा है हवा आई होगी कोई। भाई ये बंदा था क्या यार? हाँ डैडी। अरे का आज का दिन ही खराब है, दिहाड़ी भी सही नहीं लगी। हाँ बोले कि क्या हुआ था बाहर? कुछ नहीं बस, वो बस रक्षा वाला जॉइल पाना कर रहा था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, गाड़ी हो जाएगी ना आज? हाँ बस हो तो जाएगी। चलो सही है, मैं वहीं बैठा हूँ ठीक है। बॉस एक मिनट। हाँ बॉस, वो आप बोल रहे थे ना कि शानी को बता दो लॉस सेंटोस वगैरह के बारे में, जो भी सूरत हाल है ये वो। हाँ हाँ ब्लैक ही बोला था, आगे बोलो आगे। बॉस आगे ये कि बॉस आप लोगों ने अब लॉस सेंटोस की कुर्सी संभाल ली है, और इस बात को हर हफ्ता से ज़्यादा तो होने वाला है। हाँ हाँ तो बॉस इस बात का ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग ने कुर्सी संभाल ली है, तो मैं आप लोगों का वफादार हूँ बिल्कुल, इसलिए मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता आपकी जान पे बात आए। हैं जान पे बात मतलब?
बॉस देखें, जो भी कुर्सी पे बैठता है उसको अपना मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ता है शहर वालों को। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि बॉस जब बाबू उस्ताद बैठा रहता था कुर्सी पे, तो वो लॉस सैंटोस में अपने भरम शरम दिखाता रहता था, जिससे ये होता था बागी डरते थे। जितने भी बागी लड़के हैं चरसीमा वाली, जितने भी हैं। अच्छा, तो फिर? तो फिर ये कि आपको भी जो है ना बॉस, आइडेंटिटी शो करानी पड़ेगी जो भी बैठा हुआ कुर्सी पर लॉस सैंटोस की। यार शानी बेटा, तुम्हारे सामने की बात है। हाँ, तो शानी भाई को दिखाना पड़ेगा, भरम भरम दे के आने पड़ेंगे, मौजूदगी दिखानी पड़ेगी अपनी, नहीं तो फिर सर आप दोनों की जान पे बात आ सकती है सर। अरे यार क्या बोल रहे हो। हाँ बॉस। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉस इसके लिए ये करना पड़ेगा, आप शानी भाई को भी जाएँ लॉस सैंटोस में। यार मैं उसको अकेला तो नहीं भिजा सकता यार, इकलौता बेटा है मेरा, वो क्या करेगा? उसमें मैं किस लूँ फिर, मैं जाऊँगा ना शानी भाई के साथ, छोटा भाई है बिल्कुल मेरा। अरे यार बिले की तुम कितने अच्छे हो, मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह से तुम बाइटी हो जाओ। अरे अरे बॉस, कब ले की सही अपने बॉस। चलो यार आओ फिर, जो भी करना यार करो, लेकिन ख्याल से हो जाए यार। हाँ बॉस, मेरे पे छोड़ दो आप बिल्कुल। यार तुम्हारे पास असला वगैरह है कहीं? कम से कम मेरी बेटे की हिफाजत तो कर सको। हाँ बॉस है, बेफिक्र हो जाओ आप। अरे यार बेस्ट हो गया, चलो आओ फिर, आओ चलते हैं, यहीं से आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ लेकी। हाँ बॉस। तो यार ये कितना अच्छा है यार, शुक्र है इसने बता दिया, वरना शानी के साथ मैं भी जाता। जान पे बात आ जाइए, शानी के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है यार। लेकिन और एक और बात बताऊँ, कितनी देर में आ जाओगे तुम लोग? बस बॉस ये डेढ़ दो घंटे का काम है। अरे क्या हो गया? हाँ बॉस, सिंडी शोर भी जाना है, पाटक भी जाना है, सब जगह बॉस। यार ख्याल से यार, मेरे से टच में रहना तुम। बॉस टच? यार एक तो मतलब कॉल वगैरह पे रहना। ये सब बोलो ना बॉस, इंग्लिश थोड़ी आती। और ये करोला कब तक बन जाएगी ब्लैकी? बॉस ये मैं कल परसों तक कर दूंगा। अच्छा। हाँ बॉस। यूथिया कैसा बना है इसको। आज सालों बाद उस्ताद के कहने पे फिर से मैंने हरामीपन किया। पागल के बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारी मानुषियत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। बस उस्ताद, बस थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर तुम बैठोगे दोबारा इधर। यानी बेटा तुम्हें ब्लैकी अंकल के साथ जाना पड़ेगा, शहर में तुम्हारी ज़रूरत है। यार डैड क्या ज़रूरत है डैड, शहर वालों को मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई, व्हाट नॉनसेंस ब्रो। बेटा जान पे बात आ सकती है, समझा करो। क्या बोल रहे हो डैड? हाँ इधर आओ। आ रहा हूँ डैड। ब्लैकी इसको समझा देना। बेफिक्र हो जाओ आप बॉस। यार प्रो यहाँ चल क्या रहा को, मुझे कुछ पता है प्रो? बेटा तुम्हें सब समझा देगा ब्लैकी, तुम फिलहाल अभी यहाँ से जाओ। अल्लाह बचाओ, शानी भाई कहाँ जा रहे हैं? तुम अपने काम से काम रखो गांगरू, चलो जाओ शानी, जल्दी से आना और ब्लैकी अंकल के पीछे पीछे रहना, ठीक है? प्रो बता दे तो प्रो तो ज़्यादा बेहतर था। अरे रास्ते में बता देगा शानी बेटा, कोई वजह है समझा करो बेटा, बाप की बात मानते हैं। अच्छा डैड, जा रहा हूँ डैड, चलो ब्लैकी अंकल चलते हैं। बट डैड मेरी एक बात सुन लो डैड, आज के खाना में करेला नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है बेटा ठीक है, चलो ब्रो। अरे सॉरी डैड सॉरी, पैर फिसल गया था, आ जाओ ब्लैकी ब्रो। आ रहा हूँ। यार मुझे शगुफ्ता से भी बात करनी थी। दूसरा यूथिया भी बन गया। अब इसको सही माने में यूथिया बनाऊंगा। शानी भाई चावल सुन ही नहीं रहा बात है। इसका दिमाग देखो मैं कैसा घुमाता हूँ। अब साला मुझसे काम करवाएंगे। हाँ मुझसे इज्जत से बोलता तो मान भी लेता मैं,
मेरे पे रोप चलवा तुमने शानी भाई, ऐसे तो खोल लो प्रो, अभी अभी गुस्से हो प्रो, तुम सबर तो कर लो प्रो। अरे अच्छा शानी भाई, कहाँ पर चलना प्रो, चलते बोला शानी भाई, अपन को ऑटो बन पकड़ के सीधा जो है अलबंजर रोड की तरफ निकलना प्रो। अब ये कितने दूर है प्रो, बस करीब है शानी भाई, उल्टे हाथ से लेके सीधा जाना बस आ जाएगा। अच्छा प्रो ये बताओ हम चलते जा रहे हैं प्रो, शानी भाई चल अपन भरम कराने चल रहे हैं, आपको भरम देने प्रो, पहले क्यों नहीं बता प्रो, बस वो थोड़ा वहाँ पे इशू था ना घांगरू वगैरह के सामने। अच्छा प्रो बस घांगरू में रहे भाई, आपको मसला नहीं है बता दिया करो। अच्छा अच्छा फेसबुक पर आजकल बड़ी गंदी गंदी चीज़ें आ रही है, क्यों शानी भाई? हाँ प्रो सब फजूल है प्रो, फेसबुक तुम भी चलाते हो ब्रो? हाँ शानी भाई, एक बाप ने अपने बेटे को जीएफ बनाने पे कत्ल कर दिया है ब्रो, क्या बोला ब्रो? हाँ शानी भाई पता नहीं क्या पोस्ट छपी है ब्रो, तुम हंसी आ रहे ब्रो, इतनी सीरियस बात है ब्रो, तुम हंस रहे ब्रो, ऐसे भी को वाले होते हैं ब्रो। शानी भाई बस ऐसी आजकल के तो भाई माँ बाप का कुछ पता नहीं है ना, कब पता लगे उनका दिमाग घूम जाए और वो अपनी औलाद को लुड़का दें। अरे ब्रो क्या बातें कर रहे ब्रो, ऐसा तो नहीं होता होगा ब्रो। शानी भाई ऐसा ही तो हो रहा, कल भी मोहल्ले में एक लड़के लड़की ने कोई कर लिया होगा ड्रामा शरामा रिलेशनशिप का, तो उसके बाप ने भाई पकड़ के गला ही उड़ा दिया उसका ब्रो। क्या कर रहे ब्रो, गला ही उड़ा दिया ब्रो? हाँ ना भाई शानी भाई, बस वैसा शानी भाई आप क्यों इतना डर रहे हो, आपने भी कोई बनाई दी क्या? अरे ब्रो क्या बात है कर रहे ब्रो, मैं कहाँ ब्रो? अरे बता दो शानी भाई, इतने हैंडसम हो हजार होंगे, बता दो शानी भाई। अरे ब्रो नहीं ब्रो कोई मैं ब्रो बहुत शर्म करता हूँ ब्रो। अरे शानी भाई बता दो, मैंने बहुत सी शूटिंगें कराई हैं दोस्त की भी, मैं बहुत आगे की चीज़ हूँ इन मामलों में भाई, समझ के बताओ ब्रो। क्या वाकई ब्रो, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ब्रो क्या तुम बात बात कर सकते हो ब्रो? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या ब्रो? पापा को नहीं बताना ब्रो मेरा? नहीं 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 बता रहा शनि भाई। अच्छा बताओ तो। तेरे बच्चों से यानी कि प्लेट का काम नहीं है यानी कि तैनी कितना ठूस है आराम को, मैंने आराम भी कर लिया आराम को ठूसे जा रहे हैं, क्या बोलूँ गर्मी में पका रहे बाप, हाय गर्मी छाव में खड़ा हो गया, वो तो शुगर है वरना तो। तेरे बच्चे कैसे बैठे हैं यार गर्मी में, ये बोतलें फोड़ रहे हैं इनकी में। आगे बढ़ खत्म कर लो जल्दी यार, अबे करने दो भाई इतना खतरनाक काम भी तो करवाए, आज झंडो तेरा काम पागे में खतरनाक था। हाँ साले फिर से याद नहीं दिला तेरी फिर हटेगी, देख लो टैट देख लो ये मजाक उड़ा रहे मेरा। अबे यार मैं चुप हो जाओ तुम, वो चिपके तूने कहाँ रखा अबा, गाड़ी में रखा और कहाँ रखे? अच्छा तो ठीक है, किसकी आलाओ आड आड ये खबर नहीं घर, ये हुई ना बात बब्बा माई, इसको घिर के रख मैं सिंडी शाह निकल रहा हूँ वहीं पे गेम घूमेगा, यहाँ पे तेरे को पता सिग्नल की चाट है जो जांग की। बब्बा आ तू इसको लपेट दे, मैं जा रहा हूँ बस निकल रहा हूँ उड़ते हुए जा रहे हम। अबे आप ये झोपड़ी वाले बिरयानी खा रहे बस निकल रहे, चल सही है डाडे बब्बा घेर के रखियो इसको। ओके उसका तो क्या बुल्ला डाडा, बुल्ला तेरे पे अच्छा लगेगा अब आज चिपके बजा यार डाडे की हिम्मत। चलो ये जल्दी खड़ो भेड़ के टको, क्या हुआ? डाडे ने घेर लिया भाई पर घर को, अब आएगा ना मजा, उठा डपटो लड़की नहीं बनना पड़ेगा बेटा एक दफा बस और। अब नहीं नहीं भाई ये अब मैं नहीं करूँगा, आप ये टकले से करवाओ। अबे बॉस मैंने क्या बोला आपको? अबे यार बउआ कब चलो निकलने वाली करते हैं, अब मेरा और ठोकने से मतलब उसको। अबे काम करो तुम लोग गाड़ी में चलो, मैं खुद के साथ बाइक पे आ रहा हूँ। अबे नहीं यार तुम बाइक पे हमारे साथ गाड़ी में चलो हमारे साथ यार, इनको बाइक पे आने दो यार,
अब मैं नहीं जा रहा यार बाइक वाइक पे, लेदर की सीट है, पापे जल जाएंगे। चलो मैं रानी के, फिर तुम बैठिया। यार मैं क्यों यार, अगले तू ही मेरे साथ बैठ। बैठिया भाई बैठिया, जल्दी बैठिया। हाँ भाई यार बेचारा वो गर्मी में छोड़ दिया अपन ने। बल्लू बेटा पे जगह ले लो आप जाके उसी। नहीं नहीं सर। हाँ हाँ टकले हो सही दादा, बाबा धक्का दे रहा था मैंने, ऐसा धक्का दिया गिर गया था। भाई धक्के अक्के नहीं दो बेटा, रू बारू दाँत वाँट टूट गए। अबे नहीं नहीं दाँत वाँट नहीं टूटेंगे। भाई क्या रिश्ता देगा भाई हट। अरे क्या कर रहे हो अबे यार। माँ हट ही नहीं रहे यार, गर्मी में मत्था चाट कर रहे, गाड़ी कैसे चालू कर यार। भाई तुम बंदे उड़ा रहे हो यार उस्ताद, फुल सलमान भाई बने हो। हाँ कल ही रात को तो मुलाकात हुई है मेरी। नहीं करो ख्वाबों में। अबे यार हट हो गई यार। अबे वो भाई इसको पीछे फेंक बेटा, तेरा सामान है तू भी जा बैठ। वो तेरा होगा बेटा। वैसे झंडू आपस के बाद कारोबार स्टार्ट कर दो तो रातों को पहन के निकल जा तू बाजारों में। किसी ना किसी को तारा सा जाएगा तेरा। अरे वो तो अभी हाँ चिपके तो इसी बहाने तेरे घर वाले भी ताने नहीं देंगे, फिर तेरे को तू कमाने तो लग जाएगा। उठा देख लो यार इन दोनों को उठा तुम। अबे नहीं करो यार वाह। वैसे यार चिपके ये कौन सा ड्रामा डाला था तूने शर्माने वाला। हाँ क्यों। अब यार खुदा की कसम मेरे को तो एक लम्बे भी ऐसा नहीं लगा ये कोई लड़का। अबे हाँ भाई पुराना इसका पुराना पेशा है, क्यों भाई शराफत। अबे ओ भाई उस्ताद देख लो इनको समझा लो यार, तू बोल क्यों नहीं रहा। शानी भाई ये बस पेट्रोल पंप बस लास्ट है और इसके बाद एक और। ब्रो फिर कैसा लास्ट हुआ ब्रो, सेकंड लास्ट हुआ ब्रो। वही वही शानी भाई ऐसा ब्रो ये बात किसी को बताने नहीं ब्रो, सही है हम दोनों मिलकर इस बारे में बात करेंगे सही है ब्रो, जब कन्फर्म मनफर्म हो जाएगा। ठीक है शानी भाई ब्रो, इससे भी पैसा मांगना ना ब्रो। हाँ शानी भाई पिस्टल दूँ। नहीं नहीं ब्रो मैं ऐसे ही मांग लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे पिस्टल की। शानी भाई ले लो। अरे ब्रो अपने पास रखो। हाँ ब्रो फटाफट एक मिनट ब्लैके जल्दी आ जाओ ब्लैके। हाँ शानी भाई। हाँ ब्रो साथ साथ थोड़ा करो ना, चलो फटाफट पैसे निकाल कर दो, मैं शहर का नया बदमाश हूँ। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ। ब्रो तुम्हारी हिम्मत कैसे डाटो ब्रो, उसको उसको दिखाओ गन ब्रो तेरी में साले। शानी भाई से बदतमीजी, निकाल पैसे जल्दी। ये चीज ब्रो आज के बाद कभी भी मैं आऊँ तो खेल करना सही है। शानी भाई छोड़ो शानी भाई, चलते हैं आप शानी भाई। हाँ ब्रो चलते हैं ब्रो, चलो आ जाओ साला। पढ़ाई को पत्तम इस कसम के लोग रहते हैं इधर तो। यार टाटा ब्रो तुमने उसको मारा क्यों ना ब्रो। शानी भाई जान से नहीं मार सकते ना शानी भाई। ब्रो यार उसने मुझे बेइज्जत कर दिया ब्रो। शानी भाई मैं आपको बोल रहा था आप पिस्टल रख लो, लेकिन आप चलो ब्रो कोई नहीं कोई नहीं, अब अगली बार मेरे को पिस्टल दे के भिजाना ठीक है ब्रो। हाँ मैं तो आपको अभी भी दे रहा था शानी भाई। चलो बैठो ब्रो जल्दी यार, गर्मी हो रही ब्रो बहुत। अब किधर चलना है ब्रो। शानी भाई बस ये आखिरी जगह मसाला फैक्ट्री के साइड पे चलना है, चरसी वगैरह बैठे होते हैं वहाँ पर भरम देना आपको ब्रो। अब के बारे में ब्रो मेरे को पिस्टल देना ब्रो। शानी भाई दो खुलो को फार वार ना मार दो ब्रो। क्या हो गया ब्रो, बच्चा समझा क्या ब्रो। अच्छा शानी भाई ठीक है शानी भाई जैसा आप बोलो आप ब्रो ठीक है ब्रो। अरे शानी भाई ये कहाँ से जा रहे हैं ब्रो, यहीं से तो रास्ता ब्रो। नहीं नहीं पीछे से ले ला करीब पड़ेगा। पीछे से किधर ब्रो, आप ले गाड़ी घुमाएं अब उल्टे हाथ पे ले लें ब्रो इधर। हाँ बस यहाँ से सीधा सीधा चलें, वो सामने बिल्डिंग है देख रहे हैं आप ब्रो। हाँ शानी भाई आराम से ब्रो, यार खामोश हो जाओ ब्रो। अरे ट्रेन आ रही है शानी भाई ब्रो, चुप हो जाओ यार ब्लैक ब्रो, तुम मैं चला रहा ब्रो, छोटा बच्चा थोड़े ब्रो। अच्छा शानी भाई ब्रो आप बताओ किधर, जल्दी बताओ ब्रो। हाँ हाँ सही है सही बात है सही है सही है ब्रो, आई थिंक मैं यहाँ पर ला रहा हूँ ब्रो। हाँ किसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा ब्रो यहीं पर जाना ना ब्रो। हाँ शानी भाई यहीं पर आपको पता है पहले आया हो क्या। नहीं नहीं ब्रो बस यहाँ से गुजरा था उस दिन डैड के साथ तो देख लिया था। अच्छा हाँ ब्रो सीधा ब्रो, सीधा कहाँ पर ब्रो, सीधा तो रास्ता ब्लॉक ब्रो। अच्छा हाँ शानी भाई गाड़ी घुमाओ वो रहे वो बैठे हुए।
ब्रो किधर समंदर के बीच में लेके जाओगे ब्रो? अरे नहीं नहीं वो तो शानी भाई रेस से चल रही है, आप रिवर्स करो गाड़ी, रिवर्स करो। वो देखो वो पुल के साइड में सीढ़ियाँ बनी हैं ब्रो, किधर बनी है ब्रो? वो देखो वो देखो वो जो बीच में से निकल रहा है, क्या निकल रहा है ब्रो? अरे यार भाई यहाँ रोक लो शानी भाई, यहाँ रोक लो। तो ब्रो पहले बता देते यार, पेट्रोल देखो कहाँ पे पहुँच गया ब्रो। अरे हाँ शानी भाई ये तो है, चलो ठीक है आ जाओ कोई नहीं, आपके फादर पैसे वाले हैं ब्रो। यार रस्सी पे पाते हैं ब्रो, ब्रो यहाँ पे कहाँ लेके आ गया ब्रो? यहाँ तो समंदर है ब्रो। नहीं नहीं शानी भाई समंदर नहीं है, दरिया से जा रही है यहाँ से। अच्छा ब्रो, हाँ शानी भाई असला पकड़ लो ये लो। हाँ ब्रो ये काम अच्छा किया ब्रो तुमने, अच्छा याद दिला दिया ब्रो। इसका बस दबाना और गोली चल जाएगी ब्रो। अरे यार किसी को बड़ा बड़ा मत दो ना, मेरे गले आ जाएगी। अरे ब्रो कुछ नहीं होता ब्रो, चलो मेरे पीछे पीछे आओ शानी भाई फिर। हाँ ब्रो आ रहा ब्रो। गाड़ी की पार्किंग लाइट्स खुली है ब्रो, ठीक है ना? देख लो शानी भाई बैटरी डाउन हो जाए। नहीं नहीं ब्रो बिल्कुल नई चीज लगवाता हूँ मैं, दो नंबर काम नहीं करता ब्रो। उठिया को अभी पता लगेगा बेटा पागल चिड़िया। तो यार इनको अब मैं ब्रो, इनको कौन सी बीमारी हो गई है ब्रो? शानी भाई ये तो इनसे ही पूछनी पड़ेगी। अच्छा ब्रो, हाँ मुझे लग रहा है इनको उड़ने की बीमारी हो गई है। क्या मतलब ब्रो? हाँ ये सब चरस सूंघ के उड़ रहे हैं शानी भाई। क्या मतलब? शानी भाई मतलब इनको बताएंगे, बस आप एक फार मार दो ब्रो। क्या कह रहा ब्रो? हाँ सर आपकी बात सुनने आ जाएंगे, एक फार मारो आसमान में ब्रो। आसमान में किधर? इधर मार दो ब्रो। ब्रो तो चल गया यार, अजीब यार लल्लू आदमी है लल्लू, क्या कोई हाल नहीं उसका। शानी भाई फुल भरम देने। हाँ ब्रो मैं दे रहा हूँ ब्रो, मैं इस जगह का नया बदमाश, तुम सबको मेरी बात सुनने वाले ब्रो। बात से तुम शानी भाई एक मिनट, घर से कॉल आई है आ रहा हूँ, सही है? हाँ ब्रो जल्दी आ जाओ ब्रो। साथ तो ना बात। हेलो हाँ उस्ताद, हाँ उस्ताद लेके आ गया हूँ चरसियों के बाद, इसको मसाला फैक्ट्री के पास। अब मैं इसको यहाँ से एक और जगह ले जाऊँगा, तुम काम घुमाओ फटाफट। उस्ताद यहाँ रड़ियाँ कर रहा है, इसको इसके बाप से पूछने से पहले गेम घुमाना उस्ताद। हाँ घुमा दो उस्ताद तुम, अब मैसेज करो फटाफट यार, अभी टाइम शॉर्ट है, फिर ये रड़ियाँ करेगा। हाँ ठीक है ओके उस्ताद मैं जा रहा हूँ, ओके ओके। अबे बड़वे इसका तो डेटा ही ऑन नहीं हो रहा। अबे हो गया टैड ऑनलाइन नहीं, उसने प्राइवेसी लगाई हुई है हराम खोर ने। अच्छा अबे लड़की टैंग, अबे इसने क्यों प्राइवेसी लगाई हुई है, लड़की है क्या? अब आसान तो लड़की से लड़की नहीं आया, लड़का और लड़के दोनों का बीच का। अबे बहुत ही ठंडी थी, तू तो चुप ही कर जा कति, देख ला तू कर रहा फिर मेरे से। अबे वो चुप हो जा तुम लोग, पता आप करना क्या भेड़ गिड़ाएंगे डाडी के साथ, वाईफाई नहीं खोला अपना फिर। अबे वाईफाई कहाँ से डेटा? अबे हाँ ना बड़वे वही उस्ताद मेरे बोल रहा हूँ, कॉल करो उसको। कॉल करके क्या बोलूँ? काम करो काम करो। हाँ कॉल करके बोलो मैं शगुफ्ता का बाप बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, अपनी इज्जत चाहता है तो व्हाट्सएप देख। अबे हाँ भेड़ गिड़ांग, ये क्यों नहीं आया मेरे आइडिया जेन में? अबे मैं बोल रहा हूँ ना चिपके का सीन ऐसा घूम रहा है इन मामलों में। हाँ अबे झंडो भाई बात कर ही रहे थे अपन दोनों। हाँ सही बोल रहा, ओए ओए तुम दोनों छुप जाओ बटारों में। यार मेरे को बता क्या बत्ती यार,
पता नहीं क्या तुम्हारी बहन से शादी करने का बोलने तो ना, अबे तुम दो ना घर उठ दूंगा मैं। नहीं नहीं यार। अबे लेकिन छिपके उसने आवाज़ पहचान ली मेरी तो। अबे आवाज़ आवाज़ नहीं पहचानना, सारे लड़कों की एक जैसी आवाज़ होती है। पर मरा तू बेटा, तेरे बाप की उम्र का हूँ। आठ वही ना काले पे क्या पता लगेगा उस्ताद, उसको क्या पता था उस मेरे शगुफ्टा के। नहीं नहीं भाड़े तो अपना ही जोर बना ले छिप गए। अबे यार अब उठा निकल गया ना, ना वैसे सूट करेगा तेरे पे बेटा। पर कर तू कर ले फिर, तू कर ले इतना बोल रहा तो। वो शंटू यार बुरा नहीं मानू यार तेरे पास जा जवाब। अबे वे खामोश हो जाओ, कॉल कर रहा हूँ मैं। सही है उठा दे क्या बोलूँ। बोलो मैं शगुफ्टा का बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे सारे में सीट पढ़ ली है, अगर अपनी इज्जत चाहता है ना तो व्हाट्सएप देख, छुट गई वहीं टटे जाट हो जाएंगे। अब भाई आ भाई ये करो भाई, स्पीकर पे करना भाई, मेरे को भी सुनना है। अच्छा अच्छा रुक जाओ, खामोश रहना सारे, कोई भेड़ दुखाई होगी ना अगर तो बता रहा हूँ मैं। हाँ नहीं वरी, चलो कल समझ का हो गया आई होप। एक मिनट ब्रो मेरी कॉल आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन आराम से बात करिए, कौन बोल रहे हैं आप, क्या चीज़। एक मिनट आपको कॉल कर, एक सेकंड क्या हुआ। लकी अंकल एक मिनट रुके, बहुत ज़रूरी कॉल आ गई है, मैं आता हूँ आप उनको डील करें। वो क्या मुसीबत आ गई है, सॉरी कितन आ गई है, खड़े रहो ऐसे आ रहा है वो। फिलहाल तो बेगो वही होगी इसकी, साथ में कोई ना कोई तो गेम खेला हुआ, हवाएं निकल गई इसकी। 12 बज गए ब्रो, इसका फादर मेरे साथ क्या करेगा ब्रो, सारी बुराई आज क्यों आ रही है मेरे पे। मैं डैड को भी कुछ नहीं बता सकता, क्या करूं। क्या हुआ शानी भाई, शानी भाई कुछ नहीं हुआ ब्रो। चलो प्ला कि हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ब्रो, हम बाद में मिलते हैं। चलो ब्लैक अंकल हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। वो क्या है शानी भाई, जितना बोला उतना करो, मेरे पीछे पीछे आ। शानी भाई वो क्या है मुझे बताओ, मैं कोई हल निकाल दूंगा। भाई ब्रो तुम खामोश हो जाओ ब्रो, होल्ड ऑन अ सेकंड ब्रो, मेरा दिमाग शॉट हो गया ब्रो। सही कहते हैं ब्रो, लड़की का चक्कर कभी नहीं करना चाहिए। Literally man, मुझे अफसोस हो रहा खुद पे, क्या कर दिया मैंने ब्रो, I ruined my entire life bro, now what should I do? क्या हुआ शानी भाई, कि एकदम से आप परेशान हो गए ब्रो। तुम इतना बताओ ये पुलियो वाले फाटक रेलवे किधर है, whatever जो भी है ब्रो। और शानी भाई रेलवे वाली फाटक, हाँ हाँ ये वही तो है अपने बैक साइड पे ही है ब्रो। किस बैक साइड पे ब्रो? अरे जहाँ पे अपना अड्डा है, जहाँ पे आप लोग बैठते हैं, जिस पे कब्जा किया आप लोगों ने। अच्छा ब्रो वो जगह। क्या हुआ शनि भाई वहाँ पे, खैरियत क्या काम आ गया आपको ऐसा ब्रो? मेरे पे बहुत बड़ी परेशानी आ गई है ब्रो। क्या परेशानी आ गई है ब्रो? तुम पहले ये बताओ तुम हल कर सकते हो या नहीं ब्रो। बताएंगे तो बिल्कुल करेंगे शानी भाई, आप छोटे भाई हैं क्यों नहीं करेंगे ब्रो, पक्की बात है ब्रो। हाँ शानी भाई आप मेरे पे छोड़ दें ब्रो, वो जो मैंने आपको लड़की का बताया था ना ब्रो। हाँ वो शगुफ्ता ब्रो, नाम ले लो ब्रो उसका। क्या हो गया शानी भाई ब्रो? उसके बाप ने उसके मैसेजेस पढ़ लिए ब्रो, उसका बाप मुझे गालियाँ दे रहा ब्रो, उसने मुझसे मिलने के लिए बुला बोल रहा, अपनी इज्जत बचाना चाहता तो मुझसे मिल। शानी भाई खेरे खेरे आप टेंशन नहीं लो, आप उससे मिल के आओ ब्रो। पागल हो रहा क्या ब्रो, मुझसे कैसे मिल के आओ ब्रो? शानी भाई रोए नहीं आप ब्रो, ब्रो देखो ये ब्रो कैसे बोल रहा मुझे, देखो ब्रो मुझे जान से मार देगा ब्रो, आई थिंक मुझे तो ही लग रहा ब्रो। शानी भाई आपको जान से कैसे मारेगा, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, आपके पास पिस्टल है ना? हाँ ब्रो पिस्टल तो है ब्रो। आप पिस्टल रख के लेके जाओ, मिल के आओ ब्रो। लेकिन पापा क्या बोलेंगे ब्रो? पापा की टेंशन नहीं लो, पापा को आप, पापा के पास आप मुझे छोड़ दो, मैं पापा को समझा दूंगा आप किधर गए हो ब्रो। क्या बोलोगे तुम उनको ब्रो? वो मुझ पर छोड़ दो बस आप,
अगर कोई भी मसला होता उधर तो आप पिस्टल निकालना, उसका बाप कितना ही ताकतवर हो जाए लेकिन पिस्टल के सामने हर कोई झुक जाता है। आप ये तो सही बोल रहे हो। और बाकी फिर भी कोई परेशानी होती है मुझे एक मिस कॉल देना सिर्फ। ब्रो आप कितना अच्छा अप्ला किया अंकल। ब्रो छोड़ो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो, फटाफट इसको मैसेज करो कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, कॉन्फिडेंट होके बात करना। ठीक है ब्रो, ठीक है, आई विल। कर दिया मैसेज मैंने अप्ला किया अंकल। क्या करा आपने मैसेज? मैंने मैसेज में ये लिखा है कि मैं 2 मिनट के अंदर वहाँ पे आ रहा हूँ, फटाफट पहुँचो। ठीक कहा ना अनप्लकी अंकल? हाँ ठीक। अरे कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे तो छोड़ दो। अच्छा ब्रो छोड़ दो। ये हुई ना बात बर्गर। क्या हुआ डैड? अरे अब आएगा ना मजा। स्पाइडर तैयार हो जाओ, चल टकला तैयार हो जा, तेरे बाल वापस आने का वक्त हुआ जाता है। अबे अबे खामोश जा यार, मैं तो दे रहा हूँ। चलो चलो उठो फिर। लो भाई आ गई मनुष्यत। ये शगुफ्ता तो शक्ल से करीब लगती थी इसके बाप के पास। ढूंढ रहा ब्रो। चलो ए तेरो ब्रो तुम लोग। हेलो बर्गर। शानी बर्गर गौर से देख इस जगह को, याद आ रहा है कुछ? ये वही जगह है जहाँ से तूने अपनी नौसियत हमारी जिंदगियों में फैलाना शुरू कर दी, क्यों उस्ताद? ब्रो तुम लोगों का शगुफ्ता से क्या लेके, ब्रो तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? हम तुझसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ तुझे तोहफा देना चाहते। क्यों जबा डरो जैसा तूने हमें दिया था? अब आवाज नहीं जाएगी, मुझे पता था बड़गो गिरा दो अभी। अच्छा वाह वाह गिरा रहे, टकले गिरा दे। अच्छा तो भी आता लगा, आंखें खोल के देखियो बर्गर। हाँ के खोल के कुछ ज्यादा ही खोल के। हाँ भूरी खोल ले, अगर भारी निकाल ले। हाँ भारी निकाल ले। देखो बर्गर देखो, आप देखो नहीं दिया। अच्छा है बर्गर। साले आया मजा। ब्रो ये क्या कर दिया ब्रो, तुम लोग कैसे पता लगा ब्रो? ब्रो छिप के बता दे ब्रो। ब्रो क्या है ब्रो, ये क्या तोहफा ब्रो? ये सोच जब तेरे बाप को पता लगेगी। सोच बेटा कुत्ता किधरा खुटेगा तू। नहीं ब्रो नहीं ब्रो नहीं ब्रो, ब्रो ऐसा नहीं करना ब्रो। बाबू भाई धक्के नहीं दे। साले कहाँ गई तेरी अकार, कहाँ गया तेरा पैसा पढ़वे? जवान हो रहा है पेड़ के टगे, बाबू को हराएगा तू बड़वे? मेरी जगह पे कब्जा करेगा तेरी मैं। साले ते मेरा बच्चे मैं तेरे को यहाँ पे जिंदा काट दू। तूने हमारा उस्ताद ही जगह पे कब्जा करा, उसको नौकर बना दिया, भिखारी बना दिया। ब्रो मुझे माफ कर दो ब्रो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा ब्रो, बस मुझे छोड़ दो ब्रो, मेरा पाप को नहीं बताना ब्रो। तुरंत हम देर से सिर्फ इतना चाहते हैं
तू अपने बाप को लेके शेर छोड़ दे, और जितने भी तूने ड्रामे करे थे ना हमें ब्लैकमेल करने के, बाबू को ब्लैकमेल करने के, उन सब का नामो निशान मिटा दे। इससे पहले मैं तेरी नस्ल का ही नामो निशान मिटा दूँ, समझा? हाँ ब्रो, समझ गया ब्रो। अब टकला जल्दी आ, कबन के हाथ से ना निकल जा इसकी मार। आ रहा हूँ, उतर दे चमाट दियो। अब यहीं से आ जा। अबे वहाँ से आ रहा हूँ, भेंगना पड़िया। हाँ हाँ लानते कुत्ता, अच्छा पड़ती मजा आता। हाँ बरगार, कैसा लगा हमारा तोहफा? तूने भी दिया था ना हमें हमारी पिक्स बनवा के। हाँ हाँ देख, हमने तेरे लिए झंडा ही बनवा दिया। बस बस लूडा इमोशनल हो रहा है प्रो, मैं आप लोगों से कभी नहीं तंग करूँगा प्रो, आप लोगों को कभी नहीं। देख रहे हो उस्ताद, वक्त कैसा पलटता है। वही तो, बहुत गुरूर करते थे ना तुम और तुम्हारे बाप। कहाँ गया तुम्हारा पैसा, कहाँ गई ताकत? प्रो माफ कर दो ब्रो, अब कभी नहीं आऊँगा ब्रो, मैं अपने बाप को लेकर चला जाऊँगा यहाँ से ब्रो, कभी नहीं आऊँगा ब्रो। भाई एक चमाट तो दे दो भाई इसको ब्रो। नहीं ब्रो, मुझे जाना था ब्रो। चल जा बच, निकल चल, वरना तेरी गाड़ी नहीं बचेगी। चल आवाज नहीं आ रही तेरे को? अब यार बाबा ऐसे जाने देंगे क्या, सो मारेंगे नहीं क्या? निकल रहा है या तेरे को कूटू? अच्छा ब्रो, बस मेरा बाप को नहीं दिखाना ब्रो। निकल, और अगर कहीं भी दिख गई मुझे कोई भी तस्वीर हमारी, तो जो मैं तेरा शर करूँगा ना, वो फिर दुनिया देखेगी, समझ रहा है? हाँ ब्रो समझ गया ब्रो, बस समझ गया ब्रो, मैं जा रहा हूँ ब्रो, ब्रो अल्लाह हाफिज ब्रो, सॉरी ब्रो, सॉरी सबको सॉरी ब्रो। अबे यार पहले भी उसको ऐसे जाने दिया था उस्ताद, फिर आ गया था तंग करने, यार पहले भी ऐसे छोड़ा था। हाँ सही बोल रहा है उस्ताद, कैसे आवा कम से कम डंडा देना चाहिए था। आवा ये तो सही बोल रहा है गोती, पहली बार सही बात बोली तूने। यार इसको यार मारना था यार उस्ताद, इसे यार ऐसे नहीं जाने देना था उस्ताद। खामोश, वो सिर्फ यहाँ से गया है, लोस सैंटोस से नहीं। क्या मतलब है? क्या मतलब बाबा, क्या समझा नहीं यार मैं। अबे उस्ताद की गेम है ये। रईस कोती, लोस सैंटोस के सारे आने जाने वाले रास्ते बंद कर दो, वक्त आ गया है हिसाब किताब का, वही पुराने अंदाज में। निशानी का पता नहीं क्या हुआ है अचानक। चरिया सामने आ गया यार, वो क्या हो गया पापा? अब मार्केट्स ये तो मोटा किया। नायक नहीं खलनायक मैं।
अरे जाने तो हमें ब्रो, हमें चांस से नहीं मारना ब्रो, प्लीज मेरे पापा को मैंने मारना ब्रो। के तेरी में इन्हीं गाड़ियों को चलता था ना तू? ब्रो मेरे गाड़ियों को कुछ नहीं कर रहा ब्रो। तेरी में पेड़ को आवाज बराबर के सेवे को जला बाबा। नहीं नहीं, जलाने वाले वाली कहानी नहीं करनी पेड़ बेटा। चलो बेटा कलमा पढ़ लो शाबाश। अरे यार हमें जाने तो, अब हम कभी भी नहीं आएंगे। तुमने मेरे को पहले की नहीं बताया शानी बेटा। पापा आपने मेरे से कभी पूछा ही नहीं। चलो कलमा पढ़। ब्रो हमें प्लीज जान से नहीं मारना ब्रो। चल तेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के तुझे जान से नहीं मारते, लेकिन तुझे अपने किए का हिसाब तो देना पड़ेगा। ब्रो वो कैसे ब्रो? ब्रो बात सुनो। गालो जा बाटर हथियार। नहीं बेटा कौन सा हथियार? अब चौकर डाट सुताई हमला यार यार। ओए पड़ो मेरे को नहीं मारो। गांगरू ब्रो क्या लगता है आपको, अब कौन बैठेगा लॉस सैंटोस की कुर्सी पे? आज से पहले शानी भाई और अल्लाह बचाओ बॉस कभी नहीं गए, पता नहीं अब कौन बैठेगा। वन एंड ओनली उस्ताद इस बे करो। अबे भेड़ की टैंक किसको उड़ा दिया तुमने? डाडे मर मरा तो नहीं गया ये? बे भेड़ के तुम्हारी में इसको अभी उड़ा दिया इन कमीनों ने, गंजरों ने। उस्ताद अच्छा है मर गया वैसे, लेकिन लग तो नहीं रहा उस्ताद मरा है। डाडे उठाए इसको पिछा पिछा पिला के। यार किसी बात कर रहा उस्ताद? उस्ताद कंजर बेहोश हुआ अभी उठा। चलो उठ डाडे, ऐसे नहीं देश के लत्ती दे। अरे उठेगा उस्ताद, उठ रहा है। डाडे मुँह खुलवाए इसका, जितनी मालूम देता है, जिसके पास भी अपनी मालूम है सबको डोक दे, उसके बाद इसको भी बजा दियो। और अड्डे में कितने लड़के हैं? उस्ताद एक बस कारखाने बचा, बाकी कोई नहीं है। हाँ भाई कौन जाएगा? बवा मैं जाऊँगा। अबे आटो मैं जाऊँगा, दफा मैं जाऊँगा, मैं करवा लो। आ रहा हूँ बवाई। अबे रुक तो। हाँ नहीं तो सारे काम तू कर ले खोती है। देखा बच्चा बहुत खुल रहा है ये मेरे से, रेत खोती की बजानी पड़ेगी। साला साला इसे डंडे चला रहा था, मेरे सर पे भी लग गया। बर्गर को तो एक ही मार पाया मैं, इस आखिरी वाले पे सारी कसर निकालूंगा। बड़ा हरामी ये खोती भी, बर्गर को मारने के चक्कर में मुझे भी रख दिया इसने दो तीन पड़वा। इसको बताऊंगा साले को तो मैं ना, देगा बच्चा तेरी मार की। राजे आबे खत्म, तुम लोग कुत्ते के बच्चो कोट पेंट पेंट के समझते। चलो गाड़ी भी हमने अपनी हकल लाल से कमाई थी, मिल गई है। गाड़ी चाबी लगी है क्या? देखो क्या? अबे हाँ लगी है। ये बात को बाहर लेके चल लेता हूँ, करीब भी पड़ेगा भारी लगा दूंगा ना, मजा आ जाएगा। अबे अबे ये क्या हो गया? अबे अबे भेड़ की टांग, यहाँ पे तो जगह होती थी। अबे यार अब क्या करूँ? बाबाई गले आ जाएगा मेरे, रेस को तो ऊपर से लगाएगा। अबे अब क्या होगा? अबे यार टकले ये क्या कर दिया? अबे यार गाड़ी की तो मार टूक गई, निकल लेता बोल लूंगा। बर्गर कुत्ते के बच्चों ने किया था। हाँ निकल ले टकले इससे पहले कोई दिखे। अबे यार सच्ची निकाल लेनी चाहिए थी। अबे यार सास बोल क्या? हेलो जल्दी। अबे डैडी, अबे सॉरी यार डैडी। अबे यार हद होती है टकले यार, अंधा हो गया। नहीं जगह पे जाके खड़ा हो टकले, जाओ जाओ। अच्छा भाई जा रहा भाई, जल्दी से बस जल्दी आ जा, ज़रूरी बात चल रही है। हाँ जल्दी आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या बात चल रही है बताना अर्षद भाई? अभी पता नहीं, सुन ले यार। देखो भाई शब आइडोरो,
आज अपन सारे यहाँ पे जमा हो चुके हैं। उस्ताद लेकिन तोतू नहीं है। अबे तोतू भेड़ का है, उसको घोड़ा पकड़ना आता नहीं है। बढ़िया दी उसी, वो कहाँ से चपाटर हो गया। हाँ लेकिन टोटा टोटू ने मदद की। अबे तोतू कहाँ से आ गया यार, अब मेरी बात सुनो। हाँ बाबा बस तुम बोल तो जाओ, खामोश रहना, सारे घर जला दूंगा ना तुम्हारे। अबे खामोश रह तू, बताओ स्टार्ट। एक मिनट, हाँ अब बात करते हैं। ये आइसक्रीम वाला कहाँ है भेड़ की टंग? बाबा बाहर आते रहते होंगे यार, तुम बोलो यार, शुरू करो अपनी। देखो शपाटर, जैसा कि तुम लोग सब जानते हो, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। और ये जो चीज़ आज मैं तुम लोगों के सामने पकड़ा हुआ हूँ, ये बहुत गंदी चीज़ है मेरे भाइयों। भाई क्या हो गया उस्ताद? उस्ताद तबीयत ठीक है? यार यही पूछूंगा मैं भी। भाई बड़वो सुन तो लो, भेड़ के टको तुम लोग बात कर लो, तुम आगे खुद कर लो। अजय यार भूलो यार, भूलो तो उस्ताद को। देखो यार साफ सीधी बात करता हूँ भाई, एक ना एक दिन हमें पकड़ने जाना ही है, क्योंकि बुरे काम का बुरा अंजाम। हम क्या सही कर रहे हैं? लोगों की कत्ल करके उनसे जाके भत्ता मांग के, ये हम सही कर रहे हैं क्या? नहीं यार ये तो गलत है। हाँ बाबा बदमाशी है तो गलत है यार वैसे। हाँ लेकिन उस्ताद शरीफों की दुनिया नहीं। ये शांडो भल्लू मेरी जान, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन देख भल्लू, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। एक ना एक दिन देख, आज बर्गर सही है, कल सलीम, पता नहीं कौन कौन आया यार, एसएस भी आया, अपन कितनी फटीकों में पड़ गए। हाँ ये तो है, अगर अपन ये सब कुछ करा ही नहीं होता तो अपन होते ही नहीं इन फटीकों में। खैर सलीम भोसड़िया पर बोल लो यार, उसको तो हटा ही दो, वो उससे तो पता नहीं क्या दुश्मनी थी मेरी भाई, वही वाली पुराने दौर वाली। हाँ वो किसी दिन बाद में बात करेंगे। चलो शपाटर, बस आज से हम शरीफ हो रहे हैं, अब हम कभी भी घोड़ा नहीं उठाएंगे। सब अपने एक एक करके घोड़े यहाँ पे लाके रख दो। अबे यार बाबा ये यार ये गंद नहीं करो यार बाबा यार। अबे हाँ यार ये क्या यार, अभी इतनी जल्दी यार अपन शरीफ हो जाएंगे यार? अबे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है टैट, अभी तो अपन के बच्चों का देखना है। बढ़ गए पहले शादी तो कर ले, जबकि जब देखेंगे। बस जो फैसला करना था वो कर लिया, अड्डे अड्डे पर ताला लगा, कोई लोस सेंटोस की कुर्सी वर्सी नहीं है, ख़त्म करो सारे काले धंधे। कल से दुकान खुलेगी, हक हलाल का कमाएंगे और उस मालिक से डरेंगे भाई। बुरे काम का भाई बुरा अंजाम होता है। यार बात बोलो यार उस्ताद, यार प्लीज यार। हाँ बोल महारानी की मेरी जान, तुम्हें रोका है किसी ने? यार उस्ताद तबीयत खराब लग रही है आपकी। नहीं हुए तबीयत, अबे तबीयत यार देखो, देर आई दुरुस्त आई। देखो यार चपाटो रो, बात ये आती है यार तुम लोगों के सामने ही यार, मैं ये बातें आज इसलिए नहीं कर रहा कि भाई मैं सस्पेंस डाल रहा हूँ या भेंट उगाई कुछ भी। यार लोग बार पब्लिक हमें प्यार कर रही है यार, माँ हमारी अच्छाइयाँ देख रही है, हम फिर क्यों यार उनको क्या बताया यार, उस इन अच्छे नेक चेहरों के पीछे कितना बड़ा शैतान का बच्चा छुपा हुआ है। बाबा शैतान का बच्चा कम खिलाएगा वैसे, उस्ताद ही बोलो, बाबू ही नाम बोलो अपना, तुम शैतान का भी बाप। बताऊँ तुझे अभी मैं, अच्छा ना? हाँ तो बच जानी, आज से अपन नेक काम करेंगे यार भाई, तोबा कर ली, अल्लाह माफ़ करे, अब कभी इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे यार, तुम सारे भी तोबा करो फटाफट। वह यार लेकिन फिर उठा सारे अलग अलग नहीं होंगे? भाई अलग अलग तो मैं तुम लोगों को कब्र तक भी नहीं होने दूंगा, कब्रें साथ बनेगी अपनी। हाँ हाँ इंशाल्लाह बाबा, यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, बस चलो फटाफट अपने अपने घोड़े लाके यहाँ पे रखो यार, ख़त्म करते हैं आज से, एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं फिर से। चलो यार बाबा, कभी होना नहीं चाहिए था यार ऐसा, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ यार भाई शरीफ होके कैसे लगेंगे, फिर भी चलो आपके लिए जाना धीरे, चलो मोटे आगे बढ़ साले, जिमी नाम है मेरा, चल रहे। अबे यार ये दिन याद आएंगे वैसे यार उस्ताद। हाँ यार ये तो है। यार उस्ताद सही बोल रहे। आ बाबा आ
परेशान क्यों हो तो मेरी जान के टोटो? अगर आज भी कोई बाबू और उसके शपाटरों को ललकारने की कोशिश करेगा तो बाबू को दोबारा मैदान में आते हुए देर नहीं लगेगी। हेलमेट हाँ, और शपाटरों को भी ये चीज डैडे अड्डे में ताला मार दियो और इसको लेके अड्डे पे पहुंचो सैंडी चार वाले। डैडे जल्दी कर, क्या कर रहा था? हाँ आ रहा हूँ, खड़ा हो जाओ। शाबाश।